वेलकम दोस्तों। तो चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं संत तुकाराम जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग। वारकरी संप्रदाय हमारे देश की धरोहर है, तो इसी सीरीज में हम आज बनाएंगे महाराष्ट्र के लोकप्रिय संत संत तुकाराम जी का बहुत ही सुंदर सा ड्राइंग। वो भी हम बनाएंगे जो वारकरी संप्रदाय का तिलक होता है, जो हर वारकरी के मस्तक पर तिलक होता है, उसी की मदद से बनाएंगे, या कहेंगे यू के आकार की मदद से। तो इस तरह से पहले हमें कागज़ पर यू निकाल लेना है या तिलक निकाल लेना है, उसी के नीचे थोड़ा सा बड़ा हमें तिलक निकालना है। देखिए थोड़ा सा आकार छोटा बड़ा हमें करना है, देखिए इस तरह से। अब इसी के नीचे तिरछे आकार में हमें यू कुछ इस तरह से निकालना है, या कहिए तिलक। देखिए तिलक का जो बाहर वाला भाग है जो यू की तरह है वो हम निकाल रहे हैं। देखिए इस तरह से एक तिरछा सा यू बन गया। इस साइड भी उसी की तरह उल्टा हमें यू निकालना है, देखिए, ताकि तुकाराम जी के पैर बन सके। देखिए इस तरह से दोनों यू हमारे बन गए। अब उनके हाथ में वीणा भी हमें दिखाना है, तो हम क्या करेंगे, तिरछा सा हमें वीणा दिखाना है, तो यहाँ पर हम छोटा सा यू बनाएंगे। देखिए कितनी आसानी से, बाद में ये बेसिक शेप्स हमें काम आएंगे। देखिए अब यहाँ पे हमें वी का आकार यूज़ करना है, देखिए, ताकि उनका दूसरा हाथ बन सके। देखिए ज़्यादातर तो हमने यू का आकार, या कहिए तिलक का आकार ही यूज़ किया है। अब देखिएगा नीचे इस तरह से जोड़ देंगे तो उनका एक पैर बन जाएगा, बैठक मार के नीचे बैठे हैं, इस तरह से ये ड्राइंग होगा। देखिए इस तरह से उस साइड वाला जो पैर है वो थोड़ा सा हमें दिखेगा। देखिए ये उनकी धोती पर कुछ सिलवटे वगैरह, बहुत ही सिंपल सा तरीका है, बस आपसे रिक्वेस्ट है स्टेप बाय स्टेप निकालिएगा। देखिए अब ये जो यू हमने निकाला है वीणा के लिए तिरछा सा, उसी में से हम वीणा बनाएंगे, और इस तरह से उसे हमें आउटलाइन करना है, और यहाँ से हमें उनका हाथ भी बनाना है जो वीणा पर उन्होंने रखा है। तो इस तरह से यहाँ तक हम थोड़ा सा ड्रॉ करेंगे ताकि उनका हाथ बन सके, और एक साइड से पूरा वीणा हम ड्रॉ कर लेंगे। उनके हाथों के लिए हमने थोड़ी सी जगह छोड़ी है। देखिए बहुत ही सुंदर सा मनमोहक सा ये संत तुकाराम जी का ड्राइंग होने वाला है, ध्यान से देखिएगा। आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, आप भी कृपा पाइएगा और दोस्तों को भी कृपा पाने का मौका दीजिएगा। देखिए इस तरह से उनका हाथ बन गया, यहाँ से नीचे लेंगे कुछ इस तरह से, बिल्कुल शांति से आराम से ड्राइंग बनाइएगा। देखिए यहाँ से उनका कंधा हम जोड़ देंगे जो यू हमने बड़ा सा बनाया था, और यहाँ से भी उनका कंधा जोड़ देंगे ताकि उनका दूसरा हाथ बन सके। इस हाथ में उनके एक वाद्य होता है जिसे चिपड़िया बोलते हैं मराठी में, वो वाद्य हम दिखाएंगे। ये उनका कमर का हिस्सा, कमर पर एक रुमाल ऐसे बांधा हुआ होता है, देखिए इस तरह से हम दिखाएंगे, बाद में सुंदर तरीके से हम इसे कलर भी करने वाले हैं। देखिए यहाँ पर उनका हम वो हाथ बनाएंगे, उस हाथ की मूवमेंट कुछ इस तरह से आएगी। संत परंपरा ने हमारे समाज में बहुत सी सुधारणाएं की है, लोगों की विचार सरणी अच्छी हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव प्रकट हो, भगवान के प्रति आदर हो, इस तरह से संत परंपरा ने हमारे देश में काम किया है, ये हमारे देश की धरोहर है। देखिए इस तरह से उनका वो हाथ बन गया। अब देखिएगा यहाँ से उनकी गर्दन हम जोड़ देंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, ऊपर से उनकी पगड़ी या पटका वगैरह हम बनाएंगे, देखिए कुछ इस तरह से वो बनेगा। चाहे तो पहले आप पेंसिल से भी बना सकते हैं, अब मुझे आपको सिखाना होता है तो मैं डायरेक्ट ही मार्कर यूज़ करता हूँ, ऐसा आप मत कीजिएगा, आप पेंसिल भी यूज़ कर सकते हैं, ताकि कुछ गलती हो तो आप उसे इरेज करके फिर से अच्छा बना सकते हैं। देखिए इस तरह से उनकी पगड़ी बन गई, इसे फेटा भी बोलते हैं। देखिए अब यहाँ पर उनके हम कान बनाएंगे, बहुत ही सुंदर सी उनकी ये मुद्रा है, बहुत सारे फोटोज़ में ये मुद्रा हमें उनकी दिखती है। देखिए ये उनका शर्ट का कुछ हिस्सा, उस ज़माने में जो
शर्ट वगैरह कमीज़ वगैरह होती थी, इस तरह से होती थी। ये उनके गले में हम माला दिखाएंगे, तुलसी की बनी हुई ये मालाएं होती हैं। देखिए इस तरह से एक दो और मालाएं हम बनाएंगे। बहुत सी काव्यों की, अभंगों की इन्होंने रचना की है। भगवान के प्रति लोगों का प्रेम बढ़े, समाज में अच्छा वातावरण हो, इसके लिए इन्होंने कार्य किया है। देखिए इस तरह से उनके कपड़ों पर कुछ सिलवटें हम दिखाएंगे। ऐसे ड्राइंग्स बनाने के बाद आपको भी एक प्रसन्नता मिलेगी, ज़रूर से बनाइएगा। देखिए ये जो वीणा है उस पर हम तार वगैरह कुछ इस तरह से बनाएंगे, जो स्ट्रिंग्स होती है इस तरह से बनाएंगे, बिल्कुल बारीकी से आराम से बनाएंगे, तो आपका भी ड्राइंग बहुत ही सुंदर बनेगा और आपको भी अच्छा लगेगा। स्टेप बाय स्टेप बनाइएगा, मैं बार बार यही कहता हूँ, क्योंकि अगर हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में तो ड्राइंग अच्छा नहीं बनेगा। थोड़ा समय लगने दीजिए, ड्राइंग अच्छा बनेगा, और प्रैक्टिस करना तो ज़रूरी ही है। देखिए इस तरह से ये बिना पर भी कुछ डिजाइन हम बना सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से, आपके लिए आपके ड्राइंग टीचर सूरज ड्राइंग्स लेके आते हैं डेली, तो आप शेयर ज़रूर किया कीजिएगा। देखिए इस तरह से उनका हम तिलक बनाएंगे। और अगर आप हमारे ड्राइंग टीचर सूरज चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि डेली हमारी मुलाकात हो सके। देखिए अब उनकी आँखें, मुंह, नाक वगैरह हम छोटे पॉइंट वाला मार्कर या पेन लेकर बनाएंगे, ताकि ज़रा सुंदर दिखिए। देखिए इस तरह से उनकी सुंदर सी आँखें, कृपा दृष्टि बरसाने वाली, देखिए कितनी आसानी से बन गई। बिल्कुल शांत वातावरण में आपको ड्राइंग करना चाहिए, ताकि आपका मन विचलित ना हो। देखिए इस तरह से उनकी नाक बन गई। यहाँ पर उनके हम मूछें बनाएंगे। अब संत तुकाराम जी के बारे में जानकारी इकट्ठा कीजिए, उनके बारे में आपको क्या क्या जानकारी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वैसे डिस्क्रिप्शन में मैं तो जानकारी देता ही हूँ, और भी कौन से संतों के बारे में आपको जानकारी है, उनका कार्य, वो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अब सुंदर तरीके से हम संत तुकाराम जी के ड्राइंग को कलर करेंगे, आप भी शांति से आराम से बनाइएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जल्दी ही फिर से मिलते हैं। तुकाराम महाराज जी की जय। जय हरि विट्ठल।